नीट परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जो छात्रों का संघर्ष है वो लगातार जारी है। ऐसे में छात्रों के सामने कई दुविधाएं हैं। क्या नीट परीक्षा को पुनः कराया जाए या फिर काउंसलिंग की तिथि कब होगी, ये तमाम सवाल उनके इस समय सामने खड़े हैं और साफ तौर पर उनके जो चेहरे पर चिंता है वो देख रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से मुलाकात करने के लिए वो उनके आवास पर पहुंचे और उनसे मुलाकात भी हुई है। इस दौरान अभिभावक हों, शिक्षक हों, वो भी मौजूद हैं और आश्वासन दिया गया है कि उनकी बात को संसद तक ले जाया जाएगा, पहुंचाया जाएगा। हम उनसे बात भी करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी जुड़े हैं। अजय जी, बच्चों से आपकी मुलाकात इस समय हुई है, क्या कुछ आपने कहा है, क्या कुछ आश्वासन दिया है? देखिए, बच्चे ये कल के हमारे भविष्य हैं, ये टैलेंट है देश के। अगर टैलेंटेड बच्चों के साथ इनजस्टिस होगा, न्याय होगा, तो निश्चित तौर से देश के अंदर चीज़ अच्छे लोग नहीं रह जाएंगे। फिर वो केवल और केवल जो कॉरपोरेट, जो गुजरात की जो टीम है वो काम कर रही है, उनका बोलबाला रहेगा और जो टैलेंटेड बच्चे, पढ़े लिखे, जो साधारण गरीब परिवार के बच्चे हैं, वो नहीं आ पाएंगे। और ये देश उन्हीं का, उन्हीं ने बनाया इस देश को, यही बच्चे परिवार में आगे जहाँ भी आज ये कह रहे हैं कि जो उसको ख़त्म किया जाए, नीट नहीं, जो कर एनटीए, एनटीए बच्चे कर रहे हैं, एनटीए ख़त्म करके एम्स से कराया जाए, जो पहले से करा रही है। इसका मतलब देखिए, वही नेहरू जी, जो नेहरू जी को ये गालियां देते हैं, नेहरू जी के बारे में अब शब्द बोलते हैं, वही नेहरू जी की बनाई हुई संस्था पर आज के बच्चों को फिर वही विश्वास जगा है, क्योंकि इन्होंने आज तक वहाँ उस पर 70 साल में कभी गलत नहीं हुआ, कभी 70 साल में इस तरह के सवाल नहीं उठे, इस तरह के क्वेश्चन मार्क कभी नहीं उठे थे। एक के बाद एक चाहे बड़ी प्रतियोगिता परीक्षाएँ जो हैं वो रद्द हो रही हैं, इसके अलावा उनको पोस्टपोन किया जा रहा है, क्या लगता है कहाँ चूक हो जा रही है? अरे, पूरे सिस्टम में कोलैप्स हो गया, पूरे सिस्टम में दीमक लग गया है, पूरा सिस्टम बैठा दिया है। केवल पैसा, पैसा कमाओ और बर्बाद कर दो देश को, पैसे से चुनाव जीत लो, पैसे से लोगों का वजूद खरीद लो, पैसे से जो चाहो वो कर लो, नहीं होगा। ये देश अपनी कुर्बानियों से, अपने लोगों के सहयोग से, अपने देश के लोगों के त्याग से इस देश ने बना है, त्याग से बना है। हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे पूर्वजों ने, स्वतंत्रता सेनानी ऐसे नहीं बने, इस देश के लिए अपना अपना पूरा परिवार लोगों ने छोड़कर इस देश के लिए अपना समर्पित किया। ये देश को बिगड़ने नहीं देंगे, कभी कमजोर पड़ने नहीं देंगे। ऐसे में देखना होगा कि इन छात्रों को इनकी समस्याओं से कब तक निजात मिलती है, लेकिन साफ तौर पर इनके चेहरे पर जो परेशानी है वो आप देख सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।